और इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पे आज सुबह बस गहरे नाले में गिर गई, वहीं अब घायलों से मिलने जाएंगे उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री। आपको बता दें, मृतक के परिजनों से भी मिलने पहुंचेंगे दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे आज सुबह हादसा हो गया है, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम ने मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां आज सुबह बस के अनियंत्रित होने से बस नाले में जा गिरी, जिसकी वजह से एक भयंकर हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब घायलों से मिलने पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और परिवहन मंत्री। आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पे आज सुबह ये हादसा हुआ है। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फरहान खान जुड़ चुके हैं। फरहान, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह ये जो इतना भयंकर हादसा हुआ है, अब इसके बाद क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? जी जी, मैं आपको बता दूं चला कि इस समय सुबह 4 बजे तड़के सुबह ये हादसा हुआ है, जिसमें करीब 29 लोगों की जान जा चुकी है, करीब आधा दर्जन दो दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने तत्काल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रवाना किया है। वही घायलों को उपचार के लिए आगरा के कृष्णा राजकुमार चाहर विधायक जी। फरहान, हमारे साथ